हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन की तरफ से गाइस, कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, जो पिछले साल बजट में आया था, जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, जो उन्होंने लगाया था, और उसकी वजह से हम देख रहे थे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गई थी, मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट कर गया था। उसके बाद जो हमने अभी ये रीसेंट बजट देखा था निर्मला सीतारमन की तरफ से, जिसमें FPI पे सरचार्ज लगा दिया गया था गाइस, ये तीनों चीज़ें हटा दी गई हैं। जो ये अभी मीटिंग हुई है निर्मला सीतारमन की, और वहाँ पर ये बात आ गई है कि ये तीनों टैक्स, ये जो तीनों मार्केट को जो हम देख रहे थे नीचे कर रही थी, जो मार्केट को गिराई जा रही थी, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये टैक्स हटा दिए गए हैं। गाइस, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसके बाद मैं अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। और अभी ये पूरी तरीके से आई नहीं है, जो सीतारमन ने कहा नहीं है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, उन्होंने अभी तक ये पूरी तरीके से समझाया नहीं है कि कैसे करेंगे। तो मैं फैक्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीतारमन ने अभी जो मीटिंग चल रही है उसमें अनाउंस कर दिया गया है कि जो पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उन पर जो सरचार्ज है वो हटा दिया गया है, जो कि लास्ट बजट पे, पिछले महीने की बजट पे उन्होंने अनाउंस करा था गाइस। उसी के साथ साथ जो LTCG और जो STCG था, उसमें भी हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनके लिए भी जो सरचार्ज है उसे भी विड्रॉ कर लिया गया। यानी कि ये दोनों टैक्स, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और साइड बाय साइड इंस्टीट्यूशनल या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इन दोनों के जो सरचार्ज टैक्स लगाए गए थे वो विड्रॉ कर लिए गए हैं गाइस। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट आ रही है कि आप देख सकते हैं द इनहेंस सरचार्ज लीव्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2019। तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंस एक्ट 2019 में ये तीनों टैक्स लगा दिए गए थे, यानी कि फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर ये तीनों टैक्स थे। इसका मतलब है कि अगर ये फाइनेंस एक्ट या फाइनेंस एक्ट के अंदर है, तो यानी कि फाइनेंस बिल के अंदर है, फाइनेंस बिल के अंदर है, तो यानी कि ये तीनों टैक्स जो सरचार्ज लगा दिए गए हैं ये कानून बन चुका है। तो गाइज, ये ऐसे नहीं हट सकता एकदम से, अगर सीतारमन बोल दे तो ये नहीं हट सकता, क्योंकि ये फाइनेंस बिल के अंदर जा चुका है। यानी कि आप समझिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और फॉरेन पोर्टफोलियो FPI सरचार्ज, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो फाइनेंस बिल के अंदर आ गई हैं, जो बजट पे अनाउंस करा था। तो यानी कि इसे निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसको विड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, यानी कि इन लोगों को कोई ऐसा कानून लाना पड़ेगा, कोई ऐसा लॉ लाना पड़ेगा, या फिर गवर्नमेंट को कोई ऑर्डिनेंस निकालना पड़ेगा, या फिर कैबिनेट नोट के ज़रिए हटाया जाएगा। ये कुछ पर्टिकुलर हम देख सकते हैं कि थ्योरीज हैं, जिसके बेसिस में हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इन टैक्स को हटाए या इस सरचार्ज टैक्स को हटा सके। गाइस, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से मैं समझूं, मुझे लगता है कि इस साल तो ये टैक्स नहीं हटेंगे, कोई इसी साल ये लोग कोई एक कैबिनेट बिल लाएंगे या कैबिनेट नोट लाएंगे या फिर ऑर्डिनेंस लाएंगे, जिसकी वजह से ऐसा कुछ चक्कर चलाया जाएगा कि इस टैक्स को अगले साल तक हटा दिया जाए। यानी कि ये जो टैक्सेस हैं ये इस साल तक तो टैक्स रहेंगे, पर अगले साल वो टैक्स शायद हट सके, या फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर सकती है कि इसी साल उसे हटाने की कोशिश करेगी। ये अभी तक निर्मला सीतारमन ने पूरी तरीके से क्लैरिफाई नहीं करा, जिसकी वजह से हमें लगता है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर तो खुलेगी। गाइस, बहुत सी अच्छी न्यूज़ आई है, जो भी मैं आपके साथ अपने इस चैनल में शेयर करने वाला हूँ। ऑटो सेक्टर के अंदर जो बूस्ट आया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बूस्ट आया है गाइस, NBFC बैंक सेक्टर के अंदर जो बूस्ट आया है, उसकी वजह से मार्केट बहुत ऊपर खुलेगी। पर गाइस, जो हम देख रहे थे कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो अब अपनी बाइंग नहीं कर रहे थे, वो बाइंग अपनी करेंगे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के जो बेस्ट स्टॉक्स हैं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, श्री सीमेंट की बात करें, साइड बाई साइड अगर हम HDFC की बात करें, L&T की बात करें, ये स्टॉक्स हैं वो बहुत ऊपर खुलने वाले हैं गाइस। मुझे लगता है कि आप कल अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं गाइस। जो भी आपके शॉर्ट पोजीशंस हैं मंडे के लिए, ज़रूर कवर करिए उस टाइम को, क्योंकि मुझे लगता है कि अब यहाँ से जो मार्केट रैली देगा वो अपने नए हाइज बना के दिखा देगा। मुझे लगता है यहाँ से 18 महीने से 24 महीने जो होंगे वो मार्केट के लिए बहुत अच्छे होंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ से जो हम देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट हमारी सारी बातें सुन रही है, जो इन्वेस्टर्स की सारी बात सुन रही है, जो सेक्टर्स हैं उनकी सारी परेशानियाँ सुन रही है। और अभी भी गाइस, अगले हफ्ते दो मीटिंग और करने वाली है सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के साथ, और भी हम देख सकते हैं कि दिग्गज हम सेक्टर्स की तरफ वो ज़्यादातर बातें करेंगी, उनकी सारी प्रॉब्लम सुनेंगी और उन्हें उसी टाइम फिक्स कर देंगी। तो
तो मार्केट 2-3 महीने में सेटल डाउन हो जाएगा और वहाँ से हम एक अच्छी रैली देख सकते हैं, यानी कि न्यू हाइज बनते हुए देख सकते हैं। सो गाइज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स LTCG STCG और जो पोर्टफोलियो FPI सरचार्ज है वो अभी तो नहीं हटेगा, जो आप समझ सकते हैं कि कल के कल हट जाएगा मार्केट खुलते ही। उस पर कोई एक ऑर्डिनेंस बिल पास करा जाएगा जिससे उसे हटाया जाएगा, जिससे फाइनेंस बिल से उसे हटाने की कोशिश करी जाएगी, उसके लिए कोई एक ऐसा एक्ट लेकर आया पड़ेगा। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिए, थम्स अप दीजिए गाइस, मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको बाय करने हैं गाइस, ऑटो सेक्टर के अंदर, NBFC के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ लेकर आने वाला हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होगा गाइस, वो आपके साथ सब शेयर करा जाएगा, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ गाइस। investing.com पे जो वेबसाइट है वहाँ पर भी मैं सारे अपने आर्टिकल शेयर करता हूँ कि किस तरीके से मार्केट का रिएक्शन होगा, ग्लोबल मार्केट का रिएक्शन होगा गाइस। अभी भी आप देख सकते हैं कि फेड की मिनट्स की मीटिंग है, पोवल की भी मीटिंग होने वाली है स्टिमुलस को लेकर, उस अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलस की एक मीटिंग चालू होने वाली है, तो हमें देखना है कि उस पर भी क्या आएगा। अगर उस पर भी बढ़िया फैक्ट्स वो लोग शेयर करते हैं, अगर उस पर भी टैक्स रिड्यूस करके इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस आगने वाले टाइम में वो करना चाहे, तो गाइस हम देख सकते हैं कि दोनों तरीके से मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आएगी और वहाँ से हम अच्छी तरीके से ऊपर बढ़ सकते हैं। पर गाइस जो रिसेशन का इंडिकेटर है US में और UK में, वो दोबारा एक तरीके से फोर्स बैक कर रहा है कि एक रिसेशन आ सकता है और इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है, वो दोबारा आ रहा है। तो गाइस उसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में सीतारमन ने कुछ निकाली है, हमारी अभी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो स्टिमुलस हैं, वो बिल्कुल अभी सस्टेन है, तो हमारे वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देखते हैं कि जो US और UK की जो गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरीके से करती है कि जो रिसेशन का जो इंडिकेटर है वो हम देखें कि नीचे जा पाए और हम देखें कि वहाँ पर एक सस्टेनेबिलिटी आ पाए मार्केट पे। इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।